सभी जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त, सिर्फ शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगी पाबंदी। कोरोना वैक्सीन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का यूटर्न, कहा भारत सरकार का टीका हम भी लगवाएंगे। अयोध्या में श्रीराम के साथ तीर्थकरों की भी रोशन होगी विरासत, 4.43 करोड़ की राशि से बनेगा संग्रहालय। यूपी में यतीम हुए क्लास 9 के विद्यार्थियों को मिलेगा लैपटॉप, हर माह खाते में दिए जाएंगे 4,000 रुपए। एक लाख के इनामी परवेज के शरणदाताओं पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 2 दिन पहले एसटीएफ ने किया था एनकाउंटर। बिजनौर में गोवंश पशु काटते हुए 5 लोग गिरफ्तार, 4 महिलाओं समेत 7 आरोपी हुए फरार। मेरठ के मवाना में उत्तराखंड पुलिस की दबिश, सराफा समेत 2 को उठाया, महिलाओं ने किया हंगामा। राष्ट्रपति ने मांगा कानपुर के विकास का ब्लूप्रिंट, औद्योगिक विकास मंत्री ने की मुलाकात। सरकार के नियमों में लग रही सेंध, फास्टैग के बाद भी टोल प्लाजा में जुगाड़ से निकल रहे वाहन। कानपुर में परीक्षा की तैयारियां करेंगे वीवी के अफसर, के आदेश के बाद प्रश्न पत्रों पर होगा मंथन। कानपुर में बस और टेम्पो के बीच भीषण भिड़ंत में 17 लोगों की मौत, पीएम मोदी व सीएम योगी ने जताया शोक। सीएम योगी ने कहा कि सरकारी कर्मचारी अब जीपीएफ से मकान की मरम्मत के लिए निकाल सकेंगे ज्यादा रकम। यूपी के पूर्व मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे बने देश के नए निर्वाचन आयुक्त। मैनपुरी में अनियंत्रित होकर मारुति खाई में जा गिरी, एक युवक की हुई मौत, एक हुआ घायल, पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जिलाधिकारी सीतापुर ने आपराधिक कृत्यों में 1 करोड़ की संपत्ति की जब्त। बुलंदशहर में बीडीसी मोहित कुमार अग्रवाल का हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा, 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, हत्या में शामिल फौजी समेत 2 आरोपी अभी भी फरार। बुलंदशहर में दोस्तों के मामूली मजाक के बाद 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लात घूंसे, लाठी डंडे, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सुल्तानपुर में एक व्यक्ति की पुराने विवाद में गोली मारकर की गई हत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 के इनामी गौ तस्कर के पैर में लगी गोली, कई महीनों से चल रहा था फरार। लखनऊ में शातिराना अंदाज में बाइक चोरी करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार, पकड़े गए 7 आरोपितों के पास से पुलिस ने 11 बाइक, 2 स्कूटी और 1 लोडर किया बरामद। गाजीपुर थाने की पॉलिटेक्निक चौराहे पर हुई पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ में पुलिस ने 9 बदमाशों को किया गिरफ्तार।
हरदोई के सपा नेता सुभाष पाल की पत्नी व मां की संपत्ति होगी कुर्क। पुलिस के मुताबिक सपा नेता ने भाई के साथ मिलकर 14 लोगों का गैंग बनाकर अर्जित की है संपत्ति। जनपद मैनपुरी की करहल पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध शराब को बरामद कर 3 दबोचे गए आयुक्त। अलीगढ़ शराब कांड की समाप्ति पर अलीगढ़ पहुंचे एडीजी आगरा, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। प्रतापगढ़ के लालगंज में चोरों ने किया हाथ साफ, 1,03,000 नकदी समेत सोने चांदी के जेवर लेके हुए फरार। ताजनगरी आगरा में एक व्यक्ति की घर की छत पर की गई हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, परिजनों ने जताया हत्या का शक। हरदोई में पुलिस ने 25,000 के इनामी आरोपी को किया गिरफ्तार, सवारियों को गाड़ी में बिठाकर शातिर आरोपी लूट की घटना को देता था अंजाम। उन्नाव में बिक्री के लिए जा रहे खाद्यान्न को पुलिस ने पकड़ा, पूर्ति निरीक्षक की मिली भगत से मिली सूचना पर राशन को किया गया जब्त। यूपीपीएससी ने शुरू की परीक्षाओं की तैयारी, रुकी भर्तियों की प्रक्रिया में जल्द शुरू करने के आसार। भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने अध्यक्ष पद पर 2 प्रत्याशियों का किया ऐलान, जीते तो इन प्रत्याशियों को मिलेगा मौका। कानपुर में अब नए मोर्चा प्रकोष्ठ के साथ चुनाव की ओर बढ़ेगी भाजपा, 15 जुलाई तक गठन की प्रक्रिया पूरी। लखनऊ में कोरोना की मार से 3,900 करोड़ का व्यापार धड़ाम, सर्राफा कपड़ा इलेक्ट्रॉनिक समेत कई बिजनेस चौपट। यूपी के 8 जिलों में 15 जून से ड्राइविंग टेस्ट की नई व्यवस्था, टेस्टिंग ट्रैक पर परीक्षण के बाद ही मिलेगा लाइसेंस। लखनऊ में शराब चोरों की होशियारी नहीं आई काम, तार काटने से पहले ही कैद हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद। मुरादाबाद में बमबाजी में घायल युवक की दिल्ली के इलाज में दौरान मौत, आरोपी की तलाश की जा रही है। लखनऊ में हाईकोर्ट वकील की पत्नी का अपहरण कर 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। ताजनगरी आगरा के मेडिकल कॉलेज में फंगस से पीड़ित 14 दिन की नवजात बच्ची का डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक किया ऑपरेशन, विशेषज्ञ डॉक्टर कर रहे हैं बच्ची की देखरेख। सहारनपुर में लॉकडाउन में चल रहा था हुक्का बार, अनलॉक होते ही पुलिस ने कसा शिकंजा। बरेली में सरेराह महिला का अपहरण, 4 लाख रुपए की फिरौती लेने के बाद छोड़ा। प्रयागराज के अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला, डॉक्टरों से पुलिस करेगी पूछताछ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर, वाराणसी और अयोध्या के 4 सामुदायिक केंद्रों को लिया गोद। ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट के अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को देनी होंगी परीक्षाएं, शीघ्र जारी होगा कार्यक्रम। आजमगढ़ में जहरीली शराब कांड के बाद से लगातार चल रहा है चेकिंग अभियान, डीएम व एसपी ने की
शराब की दुकानों की चेकिंग। यूपी के स्कूलों में नया प्रोग्राम, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं उन बच्चों की पढ़ाई में मददगार होगा प्रेरणा साथी। उत्तर प्रदेश में सक्रिय रोहिंग्या की घुसपैठ करने वाला गिरोह, एसटीएफ ने गाजियाबाद से दो को दबोचा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने चंदौली जिले में 3 सीएनजी स्टेशन का किया शुभारंभ। काशी में श्रमिकों से ऑनलाइन बात करेंगे मुख्यमंत्री, और असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए लॉन्च करेंगे पोर्टल। वाराणसी में अल्पसंख्यक कांग्रेस ने शहर के जरूरतमंदों को कोविड काल में बांटा राशन। बलिया जिले में सीसीटीवी से पकड़ेंगे जिला अस्पताल के दलाल, दलालों पर होगी कड़ी कार्यवाही। वाराणसी में प्रधानमंत्री करेंगे अत्याधुनिक स्मार्ट स्कूल का उद्घाटन, 14.21 करोड़ की लागत से विद्यालय बनकर तैयार। कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट के बाद अब स्थगित स्पेशल ट्रेनों की होगी पुनर्बहाली, मिलेगी बड़ी राहत। ₹101 करोड़ रुपए की मदद से प्रदूषण मुक्त होगा वाराणसी, सिटी कमांड एंड कंट्रोल से जोड़ा जाएगा प्रदूषण मापक यंत्र। बलिया जिले में बंदियों ने दिखाया जज्बा, जेल में बनाया सोखता ताकि सुरक्षित रहे जल। एएमयू में ऑक्सीजन प्लांट की मिली मंजूरी, 1 मिनट में बनेगी 1000 लीटर ऑक्सीजन, धनराशि पीएम केयर फंड से खर्च की जाएगी। नाबालिग किशोरी के साथ अपहरण के बाद गैंगरेप, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश में मुसाफिरों का सफर आसान बनाने के लिए हाईवे किनारे बनाए जाएंगे 45 शौचालय। लखनऊ से आम के कार्टून लेकर जयपुर के लिए जा रही डीसीएम को तेज गति से आ रहे डंपर ने पीछे से मारी टक्कर, डीसीएम खाई में पलटी, हादसे में किसी को नहीं हुआ नुकसान। गोरखपुर में 2 माह में खप गई कोरोना की 10 करोड़ की दवाएं, सबसे ज्यादा बिकी आइवरमेटिन और फेमब्लू। सांसद रवि किशन ने कहा, विश्व का सबसे बड़ा टीका अभियान, भारत में सभी को सुरक्षित करने का है संकल्प। गोरखपुर में किशोरी को जबरन बाइक पर बिठाकर ले गए बदमाश, दर्ज हुआ प्रकरण। प्रयागराज में मोबिल ऑयल के कारोबारी का अपहरण, अभी तक फिरौती का नहीं आई कोई कॉल, पुलिस टीम सक्रिय। संगम नगरी में है अभिलेखों का समृद्ध संसार, इलाहाबाद संग्रहालय और राजकीय लाइब्रेरी में संरक्षित है धरोहर। प्रयागराज शहर की तरह गांव में जलापूर्ति के लिए सर्वे जल्द, एजेंसी चयन के लिए अगले सप्ताह निकलेगा टेंडर। प्रमोद तिवारी ने कहा कि गरीबों को दिवाली तक मुफ्त राशन तथा वैक्सीन, पीएम का मजबूरी भरा कदम।
सीएम योगी आदित्यनाथ आज 23 लाख निर्माण श्रमिकों को देंगे भरण पोषण भत्ते की सौगात, खाते में भेजेंगे 1,000 रुपए। प्रतापगढ़ में अपना दल के विधायक डॉक्टर आर के वर्मा बोले, विकास निधि ले ली गई पर उनका चिकित्सकों के पद पर नहीं किया गया प्रयोग। छोटी सी भूल से हो गई भारी तबाही, प्रयागराज के दो इलाकों में चूल्हे से छिटकी चिंगारी ने खाक किए 4 मकान। मेरठ के हापुड़ में युवक ने गोली मारकर दी जान, पुलिस ने बताया प्रेम प्रसंग का मामला। मेरठ में 39 दिन बाद मिली कोरोना कर्फ्यू से मुक्ति, पाबंदियों के साथ खुल गए शहर के बाजार। बुलंदशहर में 2 बसों की भिड़ंत में 1 की हुई मौत, 10 लोग हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जंगली सुअर ने मचाया आतंक, प्रयागराज के करछना इलाके में वन सुअर के हमले से कई लोग जख्मी। पारस हॉस्पिटल के संचालक के खिलाफ किया जाए साजिशन हत्या व देशद्रोह का मुकदमा, प्रियंका गांधी व राहुल गांधी ने भी किया ट्वीट। आगरा में नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी भाइयों को लूटा, पीछा करने पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके फैलाई दहशत। कोरोना कर्फ्यू खत्म होते ही खुलने लगी दुकानें, 40 दिन बाद फिर से गुलजार हुई पुराने लखनऊ की बाजार, सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाकर लोगों ने शुरू की दुकानदारी। आगरा में सगाई के साथ कराई गई गोद भराई की रस्म, मंगेतर हो गई नकदी जेवरात लेकर रफू चक्कर। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।